हौले हौले साडे कोलों दूर टुर गई, ऐसा ओंदी जिंदगी च कौन आ गया। मेरी निसफ हयाती गुजर गई, तेरी आज तक कावड़ मोई नहीं। ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी कैंपस रहीमेर खान के स्टूडेंट है, तो इस ना तेनु ज्यादा ज्यादा केड़ी चीज ना कुट पैंदी, जदों भी कुट पैंदी भाभी को के ओ जिन्ना रोटियां बनाई दी है, किदे ना पैंदी कुट करूं आज सराय की है से। मैं कह मत कोई आज सराय की बाहर निकले से मत कहीं को पसंद आवे, वदिया गाले नहीं आए नहीं पसंद आया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान दानिश साहिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं अवामी गपशप। नाज़रीन आज सराय की कल्चर डे है 6 मार्च को, तो हम आवाम में आए हैं, मुख्तलिफ लोगों से व्यूज लेंगे कि वो सराइकी कल्चर डे को कैसा मना रहे हैं, तो आए आपको लोगों के व्यूज दिखाते हैं। सर आज जैसा कि आपको पता है कि सराइकी कल्चर डे है, आप कहेंगे अपने सराइकी बहन भाइयों के लिए? सराइकी कल्चर डे को जो है ना पूरे जोश व खरोश से मनाना चाहिए आवाम को, क्योंकि ये जो जिला रहीमयार खान है ना, ये सारा तकरीबन ज़्यादातर सराइकी हैं सारे मौजूद इधर, खानपुर हो गया, ये बहुत बड़ा ज़िला है, तो हमें चाहिए कि इसको पूरे जोश व खरोश से सही अंदाज से मनाना चाहिए। सर आज सराइकी कल्चर डे है और सब सराइकी देख रहे हैं, कोई मैसेज दिया ना सराइकी में, सराइकी बोल। मेरे दिल विच सजान तू जाती पा, या तू लब से या याद तेरी। क्या बात है, जबरदस्त। इसी तरह देना प्रोग्राम या सराइकी कल्चर डे को अहमियत दी वजे, मतलब होना चाहिए, तो इंशाल्लाह ये जड़ी ना सराइकी आवाम सराइकी वसेब तरक्की करे सही ही लिहाज नाल, क्योंकि सारा जरा सराइकी वसेब है वो तरक्की मतलब नहीं पा करें, तो काफ़ी बंदियों को ये पता भी गया नहीं कि सराइकी कल्चर डे ते असा ही को मतलब भरपूर अंदाज नाल मनाऊं, तो इंशाल्लाह मेरी गुजारिश है सराइकी आवाम को के जड़ा डी है सराइकी कल्चर डे इन को खूब लुत्फ अंदोज करो, इंजॉय करो, ते पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया ये आवाज बने कि सराइकी जड़े ना काफ़ी अच्छे ते बहुत मीठी जबान है सराइकी। अच्छा तुसी शादीशुदा हो, ते कोई गाना सुनाओ, आज सारे देख रहे ने भाभी ले, कोई गाना ते सराइकी सुनाओ, कोई भी आंदा होगा, हर बंदे दे विच एक सिंगर होंदा। बिल्कुल बिल्कुल। हौले हौले साडे कोलों दूर टुर गई, ऐसा ओंदी जिंदगी च कौन आ गया। करके ओ दिल साडा चूर टुर गई, ऐसा ओंदी जिंदगी च कौन आ गया। ईद होवे मेला होवे होवे कोई शादी, ढोला हर मौके आते कसम खुदा दी, असी तेनू वेखी आए बड़ा अजमा के, तू हुण साडा जानू नहीं ओ बड़दा, चंगे भले हासे साडी जिंदगी वंजा के, तू हुण साडा जानू नहीं ओ बड़दा। अच्छा सर तुहानू कोई दुख है, मेरे को दिली दुख इश्क वगैरह नहीं मिलिया ना तुहानू जिवें दे गा? बस दुख तो है लेकिन मतलब इकरार इस टाइम नहीं कर सकते। जी कोट पाएगी पापी को? जी हाँ बिल्कुल। अच्छा केड़ी चीज ना तुहानू ज्यादा ज्यादा केड़ी चीज ना कुट पैंदी, जदों भी कुट पैंदी पापी को, के ओ जिन्ना रोटियां बनाई दी है किदे ना पैंदी कुट? अगर घर दे नाल बनियो ना वाला, मतलब के ओ छोटे शाक शोभा करे ने हों दे नाल कुट पंदी है। घर जल्दी आन करन। नाज़रीन ये देखिए आपके सामने मिसाल है कि इतनी मार पड़ती है, वो कह रहे हैं कि जल्दी आना चाहिए, कोई मैसेज दो ना सारे नु जल्दी आन। बस बेजन घर का ख्याल रखना चाहिए, मतलब अपनी फैमिली का बच्चों का, उन्होंने काफ़ी मतलब टाइम दे उन्हें बच्चों प्यार करना चाहिए है। सारी चलो मजबूरी है, थोड़ी जॉब शॉब है, घर मजबूरी थी वही है, लेट पहुँचते हैं, लेकिन जड़े बंदे में मतलब के टाइम नहीं दे सकते, उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट है कि घर अपनी फैमिली को बच्चों को सही से टाइम देवे, उन्होंने को मतलब के जिम्मे सराइकी कल्चर डे दी है इवें उन्होंने बाहर गेंदते आवेन पारा के घुमावेन फिरावेन, ताकि उन्होंने पता लगे कि कल्चर डे क्या होंगे। अच्छा लेकिन कुटिया कहने।
हुसैन आप क्या कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शहरोज है, मैं 7th क्लास में हूँ। अहमद अली नाम है, 7th क्लास में पढ़ता हूँ। आपका बेटा क्या नाम? मेरा अक्सा। अच्छा, आप सब स्टूडेंट हो जाहिर है ना, तो आप क्या बनना चाहते हो बड़े हो के सारे? मैं तो फौजी बनना चाहता हूँ। हाँ जी, आप? मैं भी फौजी। आप भी फौजी बनना चाहते हैं? आप? मैं डॉक्टर। डॉक्टर? पुलिस। पुलिस में जाना चाह रहे हैं। सराय की बड़ी प्यारी से मीठी जबान है और आपने बाकी सारे जबान मुल्क जजरे ने वो भी बढ़िया प्यारियाँ जबान है ना, आप को सराय के समय सारी जबान अले नाल मोहब्बत करनी चाहिए। सराय की भाइयों के लिए हमें उन्हें खुश आमदीद कहते हैं उनके डे पे, और अभी कोई पार्क में बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं है, लेकिन अगर वो आए तो हम उन्हें वेलकम कहेंगे इंशाल्लाह ताला और उनके साथ मिलके उनका डे मनाएंगे इंशाल्लाह। 5 लीटर मंकीज जंपिंग ऑन द बेड व्हेन फेड लॉस एंड ऑन द बेड डॉक्टर डॉक्टर इन द कॉलिंग बस मुझे नहीं आती। आपको क्या आता है फिर? अच्छा बेटा, आप क्या बनना चाहती हैं बड़ी हो? आर्मी डॉक्टर। अच्छा, आर्मी डॉक्टर है ना जी। कोई अच्छा सा मैसेज दे ना सारे नौजवानों को, पूरा पाकिस्तान के यूथ देख रही हैं, कोई अच्छा जो बच्चे सब पढ़े, आजकल बच्चे पढ़ते कम है, आगे टिकटॉक जाना चलो टिकटॉक बनाना छोड़ दें। हाँ जी। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ अच्छे पर्पस के लिए भी अच्छा कंटेंट भी कर रहे हैं। मोस्टली आपको अगर एक दिन के लिए वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? इतना सा काम, महंगाई नहीं खत्म करेंगे? वो तो करूंगी। मोहम्मद अहमद। क्या करते हैं? पढ़ता हूँ। पढ़ते हैं जी। क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते? मोहम्मद हसन। हसन आप क्या करते हैं? पढ़ते हैं जी। कौन सी क्लास? 8th। सब सरायकी? सरायकी पंजाबी मिक्स है ना? अच्छा, आप सरायकी हैं? अच्छा, आप बेटा बात सुन एक मिनट। अच्छा बेटा, आपका क्या नाम? महम। महम बेटा, सारा रहीम यार खान देख रहा है आपको, ठीक है? कोई ऐसा मैसेज दें अपने जो स्टूडेंट्स जो पढ़ते नहीं हैं, आप इतना अच्छा पढ़ते हो, कोई ऐसा मैसेज? उनको बोल दे मोबाइल उठाना छोड़ दे। मोबाइल उठाना छोड़? हां जी। अच्छा, जब मोबाइल नहीं यूज करते? नो। आपको बेटा क्या नाम? रना। आप बेटा क्या बनना चाहती हैं? मैं जा रही हूँ नेवी में जाना चाहती हूँ। नेवी में जाना चाह रही हैं? तो नेवी वाले भी देख रहे हैं, कोई मैसेज दें उनको कि आप नेवी के लिए क्यों जाना चाह रही हैं, कब आपने ये सोचा कि मुझे नेवी में जाना चाहिए? नेवी में जाना मेरा शौक है। हाँ जी। ज़ैनब। आप बेटा कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 3 में पढ़ती हैं। सराइकी में बात उस सराइकियों के साथ, वो अपने आप ही सराइकी जो है ना हो जाए। फिर भी आप बात करें सराइकी में, कुछ सराइकी में कोई गाना सुनाएं, इतने मशहूर हैं सराइकी गाने। नहीं आता, लेकिन एक शेर आता है सराइकी में। सराइकी में था, कोई हद होंदी है नाराजगी दी, इंजी यार करेंदा कोई नहीं, मेरी निसफ हयाती गुजर गई तेरी अज तई कावड़ मोई नहीं, बंदे कतल दे वैर भी बख्श छुड़ेंदे न, मेरा एडा जुर्म तो कोई नहीं, इन्हें हंजुआ ते एतबार चकर तेरे बाज साडा कोई नहीं। अच्छा यार, आप इतने कोई दुखी हैं, कोई पढ़ा वगैरह तो नहीं चल? नहीं नहीं, वो असल क्या है ना, वो पोइट्री जो है ना वो थोड़ी बहुत करता था, तो वो मिक्स फनी मिक्स सारी जो है ना इस किस्म की। सराइकी कल्चरल डे है, आप पंजाबी हैं और अपने सराइकी बहन भाइयों के साथ ये दिन मना रहे हैं, तो कैसा फील हो रहा है? बहुत ज्यादा खुशी होती है। लाजमी नहीं है कि आप पंजाबी हैं, सराइकी हैं, सारे मुसलमान हैं, इंसान हैं, हर किसी का रवैया एक साथ अच्छा होता है। काफी अच्छे लोग होते हैं ये लोग भी, दिल के भी अच्छे होते हैं, मेहमान नवाज होते हैं, इनके साथ उठना बैठना कभी कभी मैं कभी महसूस नहीं हुई कि यार ये किसी दूसरे कल्चर के हैं, उनकी इनकी हमारे से जुबान अलग है, हमेशा उनके साथ हमें अपनापन सा ही महसूस होता है। अच्छा, तो आप कोई मैसेज दें ना, इतने सराइकी देख रहे हैं, सराइकियों के लिए कोई मैसेज? सराइकियों के लिए मैसेज, सराइकियों के अलावा भी बाकी सारे भी पाकिस्तानी जितने भी लोग हैं, मैं उनका एक ही मैसेज कहूँगी जो खासतौर पे स्टूडेंट्स हैं, कि अपनी लाइफ को मोबाइल या दूसरे ये जो आजकल बहुत ज़्यादा आवारा चीज़ें हैं इनके पीछे इतना ना जाया करें,
अपने माँ बाप जो आपके ऊपर इतनी मेहनत करते, इतने छोटे से इतना बड़ा कर दिया उन्होंने आपको पाल के, तो उनके लिए कुछ ऐसा करो कि उनको फख्र महसूस हो कि हमने किया है तो अपने बच्चों ने हमें उसका फल भी दिया। और अपनी स्टडी पे फोकस करें, क्योंकि माँ बाप अगर इतना पैसा लगा रहे हैं तो आप पे लगा रहे हैं, अपने लिए तो नहीं लगा रहे, उन्होंने जितनी जिंदगी गुजारनी थी उन्होंने गुजार लिया, इतनी अच्छी तो उनको चाहिए कि वो अपने माँ बाप के लिए जितना कर सकते उतना करें। मैं नेवी में जाना चाहती हूँ जी, बिल्कुल, और इस्लामिया यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, बी एस इंग्लिश कर रही हूँ, तो आगे है कि अपनी फैमिली को फुल सपोर्ट करूँगी, क्योंकि बाबा का अगर बड़ा बेटा नहीं तो मैं तो बाबा की बेटों की तरह, बाबा ने पाला है हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह, और बेटों की तरह ही रखा है, तो इतना जज्बा है कि अपने माँ बाप को सहारा बन सकती हूँ। ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी कैंपस रहीमियर खान के स्टूडेंट है, तो उनके लिए कैंपस के लिए कोई मैसेज दें, उधर भी बहुत लोग अवामी गपशप चैनल मेरा देखते हैं, अपने जितने भी क्लास फेलोज हैं या कोई ऐसी बात जो उनको आप वैसे नहीं कह सकती, आज मौका मिला हुआ है, आज उनको कह कि वो ये बाकी एक्टिविटीज को इतना ज्यादा फोकस ना करें, घूमना फिरना दोस्तों में बैठना, पढ़ने आते हैं पढ़ने पे फोकस करें, बाकी गैदरिंग तो बंदा बाहर भी कर लेता है, बातें तो बाहर भी होती है, लेक्चर वगैरह बंक करके ना बैठा करें। सरायकी जुबान बहुत ज्यादा मीठी होती है, ज्यादा सरायकी लोग हैं हमारे। अच्छा फातिमा बेटा, आप क्या बनना चाहती हो बड़ी होकर? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती हो, डॉक्टर बन के जो इलाज आप फ्री करेंगे कि पैसे लेंगे? पैसे लूंगे फ्री। ये इसने सच्ची बात की है, जो बच्चे कहते हैं फ्री वो सियासी बयान देते हैं। सर क्या नाम है आपका? ईशा। आपका नेम? हरीम। अच्छा ईशा बेटा, वैसे तो आज स्पेशल आए हुए हैं हम, सरायकी जो कल्चर डे है उनके लिए आए हुए हैं, लेकिन आप कोई ऐसा मैसेज दें, आप क्या बनना चाहती हैं बड़ी होकर? डॉक्टर। डॉक्टर, और आप क्या बनेंगी? फौजी। आप फौजी बनेंगी? हाँ। जबरदस्त, सही है। अच्छा अच्छा बेटा, आप डॉक्टर क्यों बनना चाहती हैं? वैसे ही बनना चाहती हैं, अमीर बहुत होते हैं ना, फीसिस बहुत लेते हैं। कल्चर डे सारे सारे सरायके दी शान है, सारे सरायके थे रानन जेरे सरायके वास्ते बनया होया है, ते सरायके जितने भिरान वीआईपी माहौल नाल वदन छे, सारे देखो ना, ये तो घूमते फिरते वो दिन इंजॉय करेंदे वो दिन, असा भी ऐसे सरायके अज मैं घूम फिर रहा हूं इत्था, सारे कोई पंजाबी नहीं वदे, सारे सरायकी वदे, बिल्कुल सरायकी, मिठे सरायकी, प्यारे जबान, सारे शहजादे सरायकी। अच्छा यार, कोई एवें दी गल करो जेड़ा पहलू तुसी किसे नु नहीं कह सकदे, ते अज चैनल ते कोई कह दो कोई गल जेड़ी नहीं सो कह सकदे। अज क्या करूं, अज सरायकी है से मैं मता कोई, अज सरायकी बाहर निकले से मता कहीं को पसंद आवन नु, अजी गल नहीं आए नहीं पसंद आया, सर अपने यारे को पसंद आया से ओए तस्वीरा गिंदे। आज का दिन हमने सरायकी कल्चर में मनाया, जो कि बहुत सरायकी इंजॉय कर रहे हैं, सरायकी सेब के लोग। अपने मेजबान दानिश साहिर को इजाजत दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।